दो दिन में वो वाड़ी कलम नहीं लगता है तो फिर हम इसको एक त्रियो स्वरूप का आंदोलन करेंगे। और जो एफ आई आर में नाम क्लियर हो गए उनको अभी तक वो आरेस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए इसको त्रियो स्वरूप का आंदोलन देंगे। हम जलगांव शहर से पूरे डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार लोग सावधा पुलिस स्टेशन में आए, क्योंकि सावधा पुलिस स्टेशन में चिनावल के में 93/24 के तहत जो एफ आई आर आदिल शेख की रजिस्टर हुई है उसको कैमरो लगाया गया है। लेकिन हमने देखा कि पुलिस को सर्टिफिकेट जो दिया है जलगांव के हॉस्पिटल ने वो ग्रीवन इंजरी का दिया है, जिसकी वजह से वो 307 या 326 में तब्दील होना चाहिए था। कल उनको सर्टिफिकेट मिला है लेकिन अभी तक के उस पर वो एफ आई आर में वाढ़ी कलम लगाया नहीं गया, इसलिए आज हम यहाँ आके दिए। और आज हमको अगर एक या दो दिन में वो वाड़ी कलम नहीं लगता है तो फिर हम इसको एक त्रियो स्वरूप का आंदोलन करेंगे, और जिसकी वजह से हम आगे कोर्ट में भी जाएंगे कि पुलिस इसके साथ हमारे साथ ये कर रही है कि जो लगाना चाहिए कलम वो नहीं लगा रही है, और जो आरोपी अभी तक के एफ आई आर में नाम क्लियर हो गए उनको अभी तक वो अरेस्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारी आज ये दो डिमांड है कि उस पर 307 के 326 साथ में 144/47/49 और तीसरा ये कि आरोपी को अटक होने चाहिए। इसलिए पूरे जिले भर से आज यहाँ पे हम जिम्मेदार लोग आए हैं और हमने आज ये निवेदन दिया है। देखते हैं अगर दो तीन दिन में नहीं होता तो हम इसको त्रियो स्वरूप का आंदोलन देंगे। फारूक शेख, जलगांव।